दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा। दोस्तों पेट से जुड़ी बीमारियां उसी को होती हैं जो अपनी खान पान की आदतों में गलत चीज़ों का इस्तेमाल करता है और पौष्टिक आहार नहीं लेता है। इससे उसका भोजन आहार नली में ठीक से नहीं पच पाता है और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। दोस्तों आप भोजन करने के बाद छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें जिससे इस समस्या से आसानी से बच सकते हैं। जैसे कि आप ऑयली फूड कम से कम लें, खाना खाने का टाइम सोने से कम 2 घंटे पहले का रखें और फास्ट फूड खाना भी अवॉइड करें। इसके अलावा आज के वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिसका सेवन करने से आपको पेट संबंधी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है सौंफ। दोस्तों सौंफ का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ माउथ फ्रेशनर की तरह करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में सहायक हैं। इसलिए आप ऐसी आदत बना लें कि खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ को मिश्री में मिलाकर धीरे धीरे चबाकर खाएं, जिससे आपका भोजन आसानी से पच जाएगा और एसिडिटी की समस्या भी दूर हो जाएगी। नंबर 2, हरी इलायची। दोस्तों हरी इलायची का प्रयोग हम अधिकतर मुंह की बदबू दूर करने, चाय और व्यंजन का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपको अपना पाचन तंत्र ठीक रखना है तो आपको 1-2 इलायची का सेवन खाना खाने के बाद करना होगा। इससे आपका पाचन सही रहेगा और पेट की सभी परेशानियां भी दूर होंगी। नंबर 3, नींबू पानी। दोस्तों कभी कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं जिससे हमें पेट दर्द, पेट फूलना या गैस बनने की समस्या हो सकती है। ऐसे में आप कोई दवा खाने के बजाय गर्म पानी में नींबू और चुटकी भर काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर मिलाकर पीने से तुरंत राहत मिलेगी और आपका पाचन तंत्र भी सही तरीके से काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी इस तरह के वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।